हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसे अच्छे से समझेंगे और उसके बाद फिर उसके आंसर्स हम जानेंगे कैसे लिखना है, ठीक है। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं प्रीवियस चैप्टर्स के, या जो मैं आगे के वीडियोज़ बनाऊंगा इस एक्सरसाइजेस के, है ना, या फिर इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज हैं उन सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े और क्लियरली आपको एक ही जगह पर सारे सॉल्यूशन मिल जाएँ, ठीक है। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो हिस्टोग्राम से रिलेटेड है। क्लास 7 में अब तक आपने क्या पढ़ा था? बार ग्राफ के बारे पढ़ा था और डबल बार ग्राफ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो हिस्टोग्राम जो होता है ना, उन्हीं से रिलेटेड होता है। आप समझ लो कि बार ग्राफ सबसे छोटा भाई है, डबल बार ग्राफ उससे बड़ा भाई है और हिस्टोग्राम सबसे बड़ा भाई है, ठीक है। तीनों एकदम सेम तरह ही आपको दिखेंगे, बस थोड़े थोड़े उनमें डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि हिस्टोग्राम होता क्या है, तभी आप इन क्वेश्चन के आंसर को समझ पाओगे, नहीं तो आपके दिमाग के सब ऊपर से चला जाएगा, ठीक। तो आइए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हिस्टोग्राम होता क्या है और बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ से अलग कैसे है, जो हमारा हिस्टोग्राम है उसमें और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले आप बार ग्राफ को रिवाइज करो अपने दिमाग में कि हम लोग जो बार ग्राफ पढ़ते थे वो होता क्या था, कि कभी भी हम लोग कुछ डाटा दिया रहे, जैसे कि देखो यहाँ पर हमको क्या डाटा दिया वो पता है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट बताया गया है क्लास 8 में, यानी कि जैसे कभी भी हम लोग स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं तो आप ध्यान देना कि आप जब एग्ज़ाम दोगे ना, तो उसमें ये नहीं रहेगा कि आप 2021 का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है ना, वो 2021-22 लिखा रहता है। कभी भी जो हमारा एकेडमिक ईयर होता है, साल जो होता है, वो दो साल को मिलाकर बनता है, जो स्कूल की पढ़ाई होती है ना। आप जैसे 21 में अगर एडमिशन लोगे तो 22 में जाकर आपका एग्ज़ाम होगा, तो ठीक है। तो एक साल यहाँ पर हमारा 2003 और 2004 को मिला करके एक एकेडमिक ईयर हमारा बनता है, उस तरीके से 4 और 5 को मिला करके एक एकेडमिक ईयर बनता है हमारा। तो यहाँ पर हम लोग को वही बताया गया था कि 2003 और 4 में क्लास 8 में कितने स्टूडेंट थे, तो देखो यहाँ पर 100 है, फिर 4 5 में कितने स्टूडेंट है तो 200 है, 5 6 में कितने स्टूडेंट हैं, है ना, तो ये थोड़ा सा 250 है। इस तरीके से हमको यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट बताया गया है, तो इसको हम लोग अलग अलग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं। इसी से रिलेटेड होता है डबल बार ग्राफ, उसमें क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा नीचे हो अपने बुक में, ठीक है, आई होप आप सबके पास बुक होगा, अगर नहीं होगा तो आप अभी सिंपल इस बुक से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो, ये डबल बार ग्राफ जो होता है ये क्या काम आता है, इसमें हम लोग दो डाटा को आपस में कंपेयर करते हैं, तो अब उसमें हमारा काम आता है। जैसे कि देखो, इसमें हमको क्या दिया गया है कि एक बच्चा है वो 2005-06 जो हमारा जब वो ईयर में था, है ना, तो उस साल वो कितना मार्क्स स्कोर कर रहा था, और उसी सब्जेक्ट में जब वो 2006 और 7 में अगले क्लास में गया तो अब उसने कितना मार्क्स स्कोर किया। जैसे मैथ में देखो, वो 5 और 6 वाले में देखो, 5 और 6 जो है ना वो वाइट कलर वाला है, 6 7 वाला ब्लैक कलर वाला है, तो मैथ में उसने पहले तो 5 6 वाले ईयर में 30 मार्क्स ये अचीव किया था, लेकिन उसके बाद फिर वो 6 7 में कितने मार्क्स अचीव कर लिया, 60 मार्क्स अचीव कर लिया उन्होंने, स्कोर कर लिया। उसी तरीके से हर क्लास का हमको यहाँ पर दिया है। तो देखो, ये क्या होता है, जब हम लोग किसी भी डाटा को क्या बोल सकते हो आप, कि दो ईयर के कंटिन्यूअस डाटा को एक ही टॉपिक के ऊपर जब दो डाटा हमारे पास रहते हैं ना, ठीक है, जैसे मैथ के ऊपर ही हमारे पास दो डाटा हैं, तो हम लोग कंपेयर करने के लिए डबल बार ग्राफ बनाते हैं। अब क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा इंटरवल दिया रहता है ग्रुप में, ठीक है, जो क्लास इंटरवल जिसे हम लोग कहते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हमारा जो हिस्टोग्राम होता है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हिस्टोग्राम मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। जैसे देखो, क्लास इंटरवल में जो आपको भी एक वर्ड बोले में बोला, उसका मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास एक जो इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है ना, यही हमारा हिस्टोग्राम है, ठीक है। अब ये कैसे हो, आपको पता कैसे चले कि हिस्टोग्राम है, तो सिंपल आप नीचे में इसका देखना, यहाँ पर जो मार्क्स यहाँ पर दिया क्या गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है और इधर उनके मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास केवल इस तरीके से रहता कि 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों की नंबर इतना है, यानी कि 10 मार्क्स 5 बच्चों ने लाया, है ना, फिर 20 मार्क्स 10 बच्चों ने लाया, 30 मार्क्स 25 बच्चों ने लाया, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, एकदम 10 का 10 ही है, किसी का 11 भी आ सकता है, किसी का भी 12 भी आ सकता है ना, तो 10 से 20 के बीच में आ सकता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। जैसे देखो, 0 मार्क्स से लेकर के 10 मार्क्स तक कितने बच्चों ने लाया है, 2 बच्चों ने, यानी कि 2 स्टूडेंट्स ने 0 से 10 के बीच में मार्क्स लाया है। अब वो 0 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, समझ आ रहा है बात ना। उसी तरीके से 10 से 20 के बीच में यहाँ पर 10 बच्चों ने, 10 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है, फिर 20 मार्क्स से लेकर के 30 मार्क्स के बीच में 21 बच्चों ने स्कोर किया है, ठीक है। उसी तरीके से 40 से 50 के बीच में 19 बच्चों ने स्कोर किया है, फिर उसके बाद फिर हम सॉरी कहाँगे 30 से 40 के बीच में 19 है, और 40 से 50 के बीच में 7 बच्चों ने स्कोर किया है, और 50 से 60 के बीच में केवल एक बच्चा है जो टॉप में है एकदम, और उन्होंने ही स्कोर किया है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हमारे पास क्लास इंटरवल रहे, यानी कि दो ग्रुप के ग्रुप बना करके हमसे जब यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहे, जैसे यहाँ पर देखो ना, 0 से 10 के बीच का बताया गया था, यहाँ पर आप देखोगे जब ये वाला ग्राफ है ना, यहाँ पर जो हमारे पास टेबल फ्रीक्वेंसी टेबल इसको कहते हैं, तो ये जब दिया हुआ था तो 0 से 10 के बीच का दिया था, ये नहीं बोला था कि केवल 10 का है ना दो बच्चे हैं, ऐसा
कुछ नहीं बोला था, 0 से 10 पूरा दिया था। तो जब कभी भी इस तरीके से आपको ग्रुप बना करके दे 20 से 30 के बीच में, इसे ही कहा जाता है क्लास इंटरवल, ठीक है। तो क्लास इंटरवल वाला जब देता है तब हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं। और आप बार ग्राफ में देखोगे कि वो अलग अलग था, दूर दूर था। हिस्टोग्राम में क्या है, सभी आपस में एक दूसरे में सटे हुए हैं, तो ये होता है हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम का एक आध एग्जाम्पल और ले लो आप, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, जैसे कि ये वाला, ठीक है। इसको भी अच्छे से देखो, इसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर एज ऑफ 25 टीचर ऑफ ए स्कूल, ठीक है। 25 जो टीचर्स हैं उनका एज जो है वो दिया गया है। जैसे कि देखो 20 से लेकर 25 के बीच में जो एज है जिन टीचर का, उनका नंबर कितना है, तो टोटल 4 टीचर ऐसे हैं जो 20 से 25 के बीच में हैं, ठीक है। अब कोई टीचर मान लो 21 का होगा, कोई 23 का होगा, समझ आ रहा है बात ना। एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं बताया, बस बोला है कि टोटल 25 टीचर्स हैं और उनका जो एज है वो 20 से लेकर के 50 ईयर तक मैक्सिमम दिया हुआ है। तो 20 से 25 के बीच में 4 टीचर आते हैं, फिर 25 से 30 के बीच में 5 टीचर आते हैं, 30 से 35 के बीच में 6 टीचर्स आते हैं, ठीक है। 35 ईयर से लेकर के 40 ईयर्स तक है ना हमारे पास 3 टीचर हैं। तो इस तरीके से टीचर्स का एज दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी देखो क्लास इंटरवल है 20 से 25, 25 से 30। तो जब कभी भी हमको क्लास इंटरवल दिया रहता है तब हम लोग वहाँ पर हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। हिस्टोग्राम समझ में आ गया आपको, इसमें क्लास इंटरवल रहता है ना। यहाँ पर जो गैप्स होता है एकदम भी नहीं रहता, देखो सटे सटे हुए हैं सभी। दूसरा यहाँ पर एक देखो आपको ये किंक दिखेगा, इसको किंक बोलते हैं, बुक में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर जैक लाइन लिखा हुआ है, मुड़ी हुई लाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका नाम जो होता है उसको किंग कहा जाता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अगर किसी बच्चे को जानना हो तो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानना की उत्सुक होते हैं कि सर इसका नाम क्या होता है, तो इसको हम लोग किंग कहते हैं मैथ्स की भाषा में, ठीक है। अब इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो जैसे देखो 0 से लेकर के 20 ईयर तक यहाँ पर कोई भी टीचर नहीं है, तो उसका अगर हम लोग यहाँ पर लाइन बनाते तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। 0 से 10 बनाते, फिर 10 से 20 बनाते, तो दो जगह हमारा फालतू का वेस्ट हो जाता है इतना सा, क्योंकि वहाँ से कोई टीचर है नहीं। तो हम लोग क्या किए, सीधे 20 से 25 तक का स्टार्ट किए हैं। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स को कंप्रेस कर दिया, जैसे मोबाइल में गेम वगैरह को आप लोग कंप्रेस करना जानते हो ना, नहीं भी जानते हो तो भी, जैसे यहाँ पर कंप्रेस करना इसको बोलते हैं कि 0 से लेकर के 20 तक हमने नंबर को स्किप किया है। एक तरह से आप स्किप वर्ड यूज़ कर सकते हो कंप्रेस समझ में नहीं आया होगा तो, ठीक है। तो यही स्किप करने के लिए कुछ नंबर्स को हम लोग यहाँ पर किंक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा बात ना, अगर आप किंक ड्रॉ नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ड्रॉ कर लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसका यूज़ वही उसी के लिए होता है। जैसे बहुत सारे नंबर, जैसे अगर यहाँ आप 10 से स्टार्ट करते तो किंक बनाने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे एक लाइन बना देते यहाँ से 10 से 20, 20 से 30 इस तरीके से कर लेते। लेकिन अब बहुत ज़्यादा दूर हम लोग चल गए हैं ना, 0 से हमने 20 तक पहुँच गए हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा नंबर हो जाता है, इसीलिए हम वहाँ पर किंक ड्रॉ कर देते हैं, जिससे पता चले कि हमने 0 से 20 तक के नंबर्स को स्किप किया है। अब आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो क्या बोलते हैं हिस्टोग्राम अलग कैसे है बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ से, ठीक है। बाकी बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ हमने क्लास 7 में पढ़ ही रखा है। तो अब हम लोग आते हैं वहां पर जो क्वेश्चन था हमारा कि हिस्टोग्राम कहां कहां पर बना सकते हैं, उसको अब देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर में दिया हुआ था वहाँ पर क्या बोला है कि द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन ए पोस्टमैन्स बैग, यानी कि एक पोस्टमैन के बैग में नंबर ऑफ लेटर्स हैं अलग अलग एरिया के लिए। नंबर्स ऑफ लेटर मतलब कि जैसे कि मान लो मैं कुछ एरिया का नाम ले लेता हूँ, दिल्ली, मुंबई है ना, और कोलकाता, तीन एरिया ले लेते हैं हम लोग। वैसे तो नहीं होगा, पास ही पास का पोस्टमैन के बैग में तो पास पास का होगा, फिर मैं आपको समझाने के लिए लेता हूँ। तीन हमारे पास एरिया हो गए, अब क्या होगा, मान लो कि दिल्ली के लिए 10 पीस लेटर उनके पास है ना, मुंबई के लिए 15 लेटर है और कोलकाता के लिए 13 लेटर है, ठीक है। इस तरीके से तीन एरिया के लिए उनके पास नंबर्स ऑफ लेटर दिए गए हैं। अब हम लोग जब इसका बनाएंगे ग्राफ तब हम लोग क्या करेंगे, नीचे में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता लिखेंगे, यहाँ पर हमारा 13 है ना, मान लो जैसे 10 है तो एक 10 का बनेगा, फिर एक 13 है तो एक 13 का बनेगा, फिर एक हमारे पास मान लो 15 है तो 15 का बनेगा, यानी कि अलग अलग बनेगा, वहाँ पर कोई ग्रुप हमारा नहीं बन पा रहा है। समझ में आया बात ना, तो जब हमारे पास इस तरीके से दिया रहेगा तब तो हम लोग वहाँ पर हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, यहाँ पर हमारा सिंपल बार ग्राफ जो होता है ना वो बनता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर हम लोग बन सकते हैं हिस्टोग्राम, तो नो यहाँ पर नहीं बन सकता। लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट भी बता दूँ, जिस यहाँ पर लास्ट में से बोला भी गया ना कि गिव रीज़न फॉर ईच, हमको थोड़ा सा रीज़न भी बताइए सभी सेंटेंस जहाँ जहाँ पर आप आंसर बोल रहे हैं नहीं बन सकता है तो उसका रीज़न भी बताना है, तो मैं आपको वो समझा दूँगा। छोटा सा आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं, पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन को समझो। तो यहाँ पर तो हमारा क्या बोलते हैं हिस्टोग्राम नहीं बन सकता, इसमें अलग अलग बनेगा सब, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, द हाइट ऑफ कम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट, यानी कि एक हमारा एथलेटिक्स गेम हो रहा है उसमें जो कम्पिटिटर है ना जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका जो हाइट है वो दिया गया रहे, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग हिस्टोग्राम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे कि जो हाइट रहेगा वो एग्जैक्ट तो रहेगा नहीं, जैसे कि मान लो किसी के तो है नहीं कि क्या बोलते हैं 55 सेंटीमीटर ही है, कोई हमारा 63 सेंटीमीटर है, ऐसा तो कोई मतलब कि एग्जैक्ट नहीं रहता है। वहाँ पर हम लोग बहुत सारे कम्पिटिटर्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक कम्पिटिटर्स का तो नहीं ले सकते,
सकते कि ये एक कंपटीटर है हमारा, तो उसका हमारा फर्स्ट वाले कंपटीटर का 50 सेंटीमीटर, तो ये 50 में चलो बना दो, फिर सेकेंड का इस तरीके से नहीं बनेगा। वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं कि 50 सेंटीमीटर से लेकर के 60 सेंटीमीटर तक के जो हाइट वाले हैं वो कितने हैं। तो फिर यहाँ पर 50 से 60 सेंटीमीटर का हमारा बनेगा, तो मान लो वहाँ पर 10 रहेंगे तो 10 का एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा 60 से 70 के बीच में कितना है, तो उसके लिए उसी के बगल में सटा करके बना देंगे, मान लो 7 है तो उसी के बगल में 7 का ग्राफ बना देंगे, तो यहाँ पर हमारा हिस्टोग्राम बन सकता है। सुनने आ रहा है बात ना, यानी कि क्योंकि हम लोग यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, जब हाइट दिया हुआ है तो हम हाइट का ग्रुप बना सकते हैं, और जब जहाँ पर भी हम ग्रुप बना सकते हैं, क्लास इंटरवल बना सकते हैं, वहाँ पर हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो बी वाले में हमारा हिस्टोग्राम बन जाएगा, क्लियर है। सी वाला देखते हैं, सी में क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज, है ना, 5 कंपनी हैं और वो कैसेट बनाने वाली कंपनियां हैं, ठीक है। कैसेट जो पहले चलता था, आज भी चलता है थोड़ा मोड़ा, तो कैसेट बनाने वाली कंपनियां हैं, तो वो नंबर ऑफ कैसेट बना रही बहुत सारी, ठीक है। जैसे कि मान लो एक कंपनी का नाम ए है, तो ए ने हमारा 100 कैसेट बनाया, ठीक है, बी ने हमारा 200 कैसेट बनाया, सी ने हमारा 300 कैसेट बनाया, ठीक है, या फिर मान लो 150 कैसेट बनाया, जो भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तो अलग अलग हिस्सों कर सकते हैं एक साथ, तो हम लोग सटा करके ए से, ए तो नहीं बोल सकते कि ए से बी तक हमारा 100 से 200 बना, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग ए का अलग बताएंगे, बी का अलग बताएंगे कि बी ने 200 कैसेट बनाया है, सी का अलग बताएंगे, है ना, 5 कंपनी है तो डी और ई भी ऐड कर लेंगे, डी का अलग बताएंगे कि डी ने हमारा इतना कैसेट बनाया है, और ई ने अलग बताएंगे कि ई ने हमारा इतना कैसेट बनाया है। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ कैसेट्स है, इसको हम लोग हिस्टोग्राम पे तो नहीं शो कर सकते, बार ग्राफ में शो कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा क्रॉस कर दो, क्योंकि ये हमारा हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, ठीक है। अब डी वाले में देखो, द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM टू 7 PM स्टेशंस, यानी कि जो नंबर ऑफ पैसेंजर है ट्रेन में जाने के लिए 7 AM से लेकर के 7 PM तक, सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइमिंग इसको बना सकते हैं क्लास इंटरवल, जैसे कि 7 टाइमिंग दिया हुआ है ना, तो देखो जैसे कि हम लोग बता सकते हैं कि 7 से 8 बजे तक 100 पीपल क्या हुए, ट्रेन में चढ़े, फिर 8 से 9 बजे के बीच में हमारे पास 150 लोग चढ़े, फिर 9 से 10 बजे के बीच में हमारे पास, है ना, इतने लोग चढ़े, तो यहाँ पर हमारा 7 से 8, 8 से 9, 10 से 11, 12 से 13 तो इसे नहीं बचता, हाँ ट्रेन में बचता भी है, है ना, तो 12 से 1 आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर हम लोग ग्रुप बना सकते हैं टाइमिंग्स का, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्लास इंटरवल बन सकता है, इसका मतलब इसमें भी हिस्टोग्राम बन सकता है, समझ में आ गया बात। तो यहाँ पर आपसे यही बस बोला था, हिस्टोग्राम बन सकता है कि नहीं बन सकता वो बताइए, अब उसमें लास्ट में रीज़न बोला है, तो बस सिंपल आपको एक इंग्लिश में स्टेटमेंट बना करके छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर रीज़न लिखना है, ठीक है। तो जल्दी से मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ क्या है। तो देखो यहाँ पर आप क्या करना, इस तरीके से लिख लेना कि इन केस ऑफ बी एंड डी, है ना, यानी कि जो हमारा बी और डी वाला जो हमारा केस था, वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वी कैन डिवाइड द डाटा इनटू क्लास इंटरवल्स, वहाँ पर हम लोग डाटा को क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, सो इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ हिस्टोग्राम, इसलिए हमारे पास पॉसिबल है कि हम वहाँ पर हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेटमेंट लिख लेना, तो आपका रीज़न भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, और अगर 1 समझ में आ गया है ना, तो आगे जहाँ जहाँ पर हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमको दिया गया है, वो भी अब आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, यहाँ पर जो आगे के क्वेश्चन है उनको भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।